हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन, जिसमें मैंने आप लोग को पहला वीडियो इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, जिसमें आप लोग इसके जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उसको देख लीजिए। जो शेष रह गए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग को पहला लेसन है। पहला लेसन में क्या दिया गया है भैया, तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर वन, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक सीमांत रेखा तैयार की गई है, अर्थात सीमांकन रेखा तैयार की गई है, जिसे गरीबी रेखा कहते हैं। यह गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड से ली गई है। किससे ली गई है, कैलोरी मापदंड से ली गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए जो है वो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको कितना 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र से हैं तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। अगर इतना कैलोरी लेते हैं आप तब तो आप इससे ऊपर में हैं, तब तो आप गरीब नहीं है। अगर इससे नीचे अगर आए तो समझ आइए आपको गरीब के अंतर्गत क्या गरीबी रेखा के नीचे गिना जाएगा, अर्थात आप गरीब कहलाइएगा और आपके लिए एक बीपीएल कार्ड बनेगा और उसके उस कार्ड से आपको क्या मिलेगा, सरकार की तरफ से बहुत ही कम मूल्य में राशन मिलता है। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। वही बोल रहा है, अतः इस रेखा के नीचे के लोगों को गरीब माना जाता है। इस गरीबी रेखा को हम लोग बीपीएल, ठीक है, बीपीएल माना जाता है। क्या जाता है इसको, बीपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बीपीएल। क्लियर है। अब देखते हैं भैया बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, ठीक है, गरीबी रेखा। क्लियर है। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बोल रहा है मनरेगा अर्थात नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, इसकी व्याख्या करें। यहां से पूछता है कि मनरेगा क्या है, ठीक है, या नरेगा क्या है। तो आपसे पूछ रहा है मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, इसकी व्याख्या करें, ठीक है। तो क्या है भैया, देखो कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने का एक राष्ट्रीय योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक साल कम से कम 100 दिनों, या आपसे पूछेगा, ठीक है, कि नरेगा के तहत या मनरेगा के तहत कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो याद रखना कि 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, ठीक है, 100 दिनों का रोजगार सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2005 को हुई, तब इस योजना का नाम जो है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, जिसे संक्षेप में हम लोग क्या कहते थे, नरेगा। क्या कहते थे, नरेगा कहते थे, ठीक है, या नरेगा कहा जाता था। लेकिन 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 अर्थात गांधी जयंती के दिन, ठीक है, को इसका पुनः नामकरण किया गया और जिसका नाम क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी, अब उनके जन्मदिन पर ही इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया, जिसे संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं, मनरेगा। देखिए इसमें इसमें एम जुड़ गया, क्या जुड़ गया, एम जुड़ गया, ठीक है, अर्थात यहाँ पर मौज जुड़ गया, अर्थात एम जी, महात्मा गांधी, मनरेगा, मनरेगा के नाम से जानते हैं इसको। किसके नाम जानते हैं, बोलो, मनरेगा के नाम से जानते हैं, ठीक। तो आपको क्यों पड़ा इसका नाम मनरेगा, तो याद रखिएगा क्योंकि इस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर क्या है, इसके नाम का पुनः नामकरण किया गया, अर्थात इसको इसका जो नाम है वो बदल कर नरेगा की जगह पर मनरेगा रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। आप कोई भी उद्योग लगाते हैं, उत्पादन के साधन आपको भाई किसी चीज, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, कंपनी खोल रहे हो तो आपको क्या क्या चीज भैया, उसके क्या क्या साधन होने चाहिए। तो सबसे पहले भैया कंपनी लगाने के लिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए, पैसा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, संगठन आपके पास होना चाहिए, मैनेजर होगा, ठीक है, उसमें सीईओ होंगे, पीओ होंगे, ये सब कार्य होंगे, क्योंकि सभी लोग तो देख रेख करेंगे ना कि कौन मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल कम हो गया, कितने लोगों को उसका दिहाड़ी देना है, ये सब कौन करेगा, सभी संगठन बना रहेगा, सबको अपना अपना काम बांटा रहेगा, संगठन होना चाहिए और साहसी अर्थात उसमें पैसा लगाने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन जो होता है वो सही तरीके से होता है और उद्योगों का विकास अच्छी तरह से चलता है,
ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि उत्पादन के साधन कौन कौन से है, तो उत्पादन के साधन निम्नलिखित क्या क्या चीज आई, तो भूमि, ठीक है, मुख्यतः पांच हुए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहसी, ये पांच चीज रहेंगे तो उत्पादन जो होते हैं वो अच्छे तरीके से चलता है, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर चार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्या बोल रहा है कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए योजना आयोग एक भारत सरकार की एक संस्था है जिसका एक प्रमुख कार्य जो है पंचवर्षीय योजना तैयार करना है, ठीक। तो भारत की एक संस्था है जो पांच वर्ष में योजना तैयार करती है, पांच वर्षों के लिए योजना तैयार करती है, जिसमें कि भाई हमें नदियों पर बांध बनवाना, सड़क का निर्माण करवाना, हॉस्पिटल खोलने, स्कूल खोलना, विश्वविद्यालय खोलना, किस किस क्षेत्रों में कमी है, इस क्षेत्रों को क्या करेगा, वो जांच करेगा, पता करेगा और उसको तैयार करेगा और पांच वर्षों में उस कार्य को पूरा करने का क्या करता है, वो पूरी योजना बनाता है, उसी को कहते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो क्या होती हैं, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्य करती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो पंचवर्षीय योजना तैयार करना है, इस योजना का स्थापना जो है वो 15 मार्च 1950, याद रख लीजिएगा 1950 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1950 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में हुआ था। इस योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। समानता इस आयोग के कामकाज का एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए योजना आयोग के 8 सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1914 को, ठीक है, 14 को इस, यहां पे इस होगा, ठीक है, इस योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। अर्थात इसको क्या किया गया, ये वही चीज योजना वही है, बस इसको समझ जाओ कि इसको इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया भैया, नीति आयोग कर दिया गया, और सारे कार्य सारे तरीका जो है वही चीज रहेगा इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया भैया, नीति आयोग आता है, योजना आयोग की जगह पर किस योजना को लाया गया भैया, किस आयोग को लाया गया, तो आप लोग बोल सकते हो तो नीति आयोग को लाया गया, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है वो 1 जनवरी 2015 से की गई, ये नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई थी, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा ही, आपको भाषण के दौरान 15 अगस्त में जब झंडा फहरा रहे थे तो उन्होंने इसको क्या की थी, इसकी घोषणा की थी कि भाई योजना आयोग जो है, ठीक है, उसका नाम जो है नीति आयोग करा जा रहा है, अर्थात तो उसको पूर्णतः खत्म कर एक नया आयोग की शुरुआत की जा रही है जिसको हम लोग कहेंगे नीति आयोग, क्लियर है। तो आपसे पूछेगा तो बता सकते हैं आप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, बोल रहा है क्या कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो याद रखना कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का गठन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का गठन 6 अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक योजना हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच सहयोग और तालमेल को बनाए रखने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग करता है, किसका करता है भैया, योजना आयोग करता है। लेकिन अंत में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसे क्या किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या बोला है भाई कि राष्ट्रीय विकास परिषद है ये क्या है, तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना का आयोग जो है वो कब किया गया भैया, तो 6 अगस्त 1952 को किया गया, इसको देख रेख के लिए किया गया कि भाई सरकार के द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजना जो है, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा या आप लोग बोल सकते हो क्या योजना आयोग के द्वारा जो निर्धारित की जा रही है उसकी देख रेख और सरकार की तालमेल, सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है, राज्य सरकार वही बोल रहा है क्या, आर्थिक नीति हेतु राज्य सरकार, ठीक है, और योजना आयोग के बीच, ठीक है, तालमेल को बनाने के लिए किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री, अर्थात मुख्यमंत्री उसमें क्या है, मुख्यमंत्रियों से सहयोग पूछा जाता है, ठीक है, कि आपके क्षेत्र में किस किस पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही है, इस क्षेत्र में किस आपको किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ है, आप हमें बताइए, हम योजना तैयार करेंगे तो उसके अंतर्गत आपके राज्य में इसका विकास करेंगे।
और फिर इसकी क्या है, सब लोग अनुमोदित हो जाता है, सब इसका निर्माण सब हो जाएगा। जब इसका सारा योजना तैयार हो जाती है तो उसको अनुमति कौन देता है, तो याद रखिएगा तो राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है इसको, ठीक है, पारित किया जाता है और इसका फिर कार्य चालू होता है। क्लियर है? अब देखिए बाबू क्या है, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम, ठीक है, बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। एकदम सिंपल, आप बैंक नहीं गए लेकिन आपने क्या किया, अपने दोस्त को, ठीक है, पैसे भेजना था, आपने क्या किया, मोबाइल से UPI के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, अर्थात गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गए, आप लोग क्या कर देते हो, उसके माध्यम से आप लोग अपने बैंक में जमा की गई जो राशि है उसको क्या कर सकते हो, अपने दोस्त को भेज सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। ATM है, बैंक में नहीं गए, आपने पैसा निकाल भी लिया ATM के माध्यम से, तो बिना विलंब आप उनके बैंक में जाओगे, लाइन लगाओगे, तब ना पैसा निकालोगे या जमा करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ATM गए, पैसा की जरूरत है, तुरंत निकाल लिए। UPI के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करना है, तुरंत हमने ट्रांसफर कर लिया। किसी को भेजना है, तुरंत हमने क्या कर दिया, भेज दिया। तो ये जो प्रणाली है इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। देखिए इसके अंदर ATM के द्वारा हम लोग और UPI में आप लोग क्या है, बहुत सारे ऐप से चलाते हैं आप लोग UPI, फोन पे होता है, गूगल पे होते हैं, अमेजोन पे है, ठीक है, आयोजन से भी आप लोग जमा कर लेते हैं, खरीद आपको, और फिर क्या है, ऑनलाइन जो खरीदारी आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्कोप में चल रही है, ठीक, घर बैठे आप लोग क्या कर सकते हो, पेमेंट करके और ऑनलाइन आपने शॉपिंग कर ली, घर आपके क्या हो जाता है, वो सामग्री मिल जाती है। तो सब किसके अंतर्गत है भाई, तो कोर बैंकिंग प्रणाली से ये सुविधा क्या हुई है, बहुत आसान हो गई है। घर बैठे ही अपने बैंक में जमा की गई राशि जो होती है बिना विलंब किए हम लोग क्या कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं। इस प्रणाली को ही क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बोल रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम VVI क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ये आप लोग अपने से भी बता सकते हो। पहला नंबर क्या है भैया, कि बिहार में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बिहार में जो है आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है पहले तो, ठीक, क्यों बढ़ रही है तो आप लोग बोल भी सकते हो कि भैया यहाँ लोग क्या है, शिक्षित नहीं है, सबसे पहले यहाँ शिक्षित करना होगा लोगों को, क्योंकि भैया क्योंकि आप लोग जानते हो गरीबी गरीबी को ही जन्म देता है, ठीक है, और यहाँ गरीबी है, शिक्षित नहीं है, और क्या करते हैं, जिसके चलते वो शिक्षित नहीं होने के चलते एक परिवार में क्या होते हैं, बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, जिसके चलते उसकी आने वाली पीढ़ी भी क्या हो जाती है, गरीब हो जाती है, ठीक। तो पहला हो गया भाई कि बिहार में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बिहार में उद्योगों की कमी है, झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में जितने भी उद्योग थे वो क्या हो गए, सारे के सारे झर गए, सारे के सारे झारखंड में चले गए झर के, तो क्या हुआ, बिहार में उद्योग एक भी नहीं बचा, जिसके चलते यहाँ के लोग क्या हो गए, उद्योग अपने जिसको उपार्जन के लिए बाहर जाने लगे, दूसरे दूसरे राज्यों में जाने लगे, अर्थात भारत के बिहार में क्या है, आपको कोई उद्योग नहीं बचा, गरीबी का कारण यह है, क्योंकि भाई उनको अच्छे रोजगार नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, अपना जीविका उपार्जन सही से नहीं चला पाते, क्योंकि वो जाते हैं बाहर में तो भाई खर्चा भी तो है बाहर में, और यहाँ पे रहते तो खर्चा कम लगता है, क्योंकि वो अपना क्षेत्र था, ठीक है, और वो अच्छे से कमाई कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या भाई कि बिहार में उद्योगों की कमी है, बिहार के लोगों के कृषि पर निर्भरता, और यहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं, और वो उनको सिंचाई की सुविधाएं, बीज की जो है, ठीक है, अच्छी बीज की क्वालिटी, और गरीब होने के चलते वो लोग अच्छे अच्छे बीज सुविधाएं, सिंचाई सुविधाएं नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते क्या है, वो लोग और गरीब हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ और सूखे की समस्या है, कोसी नदी देखिए जो है हर एक वर्ष हम लोग के बरसात के मौसम में क्या ले जाती है, बाढ़ ले जाती है, उत्तरी बिहार हमेशा डूबा रहता है, उधर खेती होता ही नहीं है, तो ये क्या है भैया, बाढ़ प्रत्येक वर्ष, और फिर कभी कभी क्या, यहाँ मैंने बोल ही दिया कि वर्षा पर डिपेंड, कभी कभी तो सूखा भी हो जाता है, तो किसान अगर किसान किसानी पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है, तो गारंटी नहीं है कि उसको सही में, ठीक है, उसका उपज मिलेगा और वो मुनाफा कमाएगा, उसका पैसा जो लगाया हुआ है वो डूब भी सकता है, वो गरीब, वो किसान गरीब जो था वो और ज्यादा गरीब हो सकता है, ठीक है, प्रकृति के रौंद्र रूप से, ठीक। फिर है बिहार में अत्यधिक गरीबी, ये तो क्लियर है भैया, पिछले बन गया गरीबी है, यहाँ खराब विधि व्यवस्था है, कोई भी कार्य कराने जाओ, ठीक है, तो कल आइएगा कल हो जाएगा, ठीक, कोई सरकारी कामकाज कराने जाते हो या आप अस्पताल में भी जाते हो तो अस्पताल में भी आपको क्या है, इलाज करवाना है, तो भाई वहाँ
डॉक्टर ही नहीं आए, डॉक्टर जो है छुट्टी पर है, या दवाई खत्म है, तो यहाँ ये सुई नहीं है, तो जाओ बाहर से खरीद के लाओ। तो बताइए बाहर से खरीद के लाओ तो पैसा लगेगा, बेचारा गरीब है, और गरीब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ज्यादा उसका क्या पैसे खर्च हो जाएंगे, जो पैसा दूसरे चीज में लग सकता था वो पैसा क्या हो गया, तो बेचारा दवाई कल इलाजे कराने में क्या हो जाएगा उसका, उसके घर में जितनी भी कमाई थी सारे के सारे खत्म। यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, गया केस भाई कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस के पास गया, कंप्लेन किया, भाई जाओ उधर सलट लो अपने से समझ लो, तो वो केस ही नहीं लिख रहा है, तो क्या है यहाँ सबसे ज्यादा ये चीजें हैं। यहाँ विधि व्यवस्था भी खराब है, पिछले प्रकरण कारण ये है, कुशल प्रशासन का अभाव है, अच्छे अच्छे प्रशासन यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं सुनता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग को भ्रष्टाचारी है, पैसा खिलाइएगा तो काम होगा, भ्रष्टाचार ठीक है, पैसा नहीं आप लोग खिलाइएगा तो क्या होगा, आपका काम नहीं होगा, वही चीज है। फिर आधारिक संरचना की कमी है, आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं, सड़क की सुविधाएं हैं, ठीक है, परिवहन की सुविधाएं, विद्यालय की सुविधाएं, अस्पताल की सुविधाएं, जो भी हम लोग की क्या मूलभूत जो है, ठीक, वो सुविधाएं आपको यहाँ नहीं है, एक ये भी कारण है। फिर लोगों में शिक्षा की कमी है, लोग शिक्षित नहीं है, भाई पढ़ाई लिखाई जो है उन लोगों की नहीं होने के चलते वो और ज्यादा गरीब होते हैं, जिसके चलते और ज्यादा गरीब होने के गरीब हो जाएंगे, और उनके घर में जनसंख्या, उनके बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, वो और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे, ये कुछ चक्र लगातार चलता रहेगा, तो बिहार कहाँ से आगे बढ़ेगा। इसके लिए सबसे पहले शिक्षित करना होगा, रोजगार देना होगा, तो सरकार जो है ठीक है वो ध्यान नहीं देती। बिहार में जातिवाद की समस्या है, अब बिहार में जातिवाद की समस्या होने के चलते बिहार में अच्छे राजनीतिक दल का चुनाव नहीं हो पाता, अर्थात जाति के आधार पर लोग क्या कर देते हैं, मत दे देते हैं, और वो क्या है अपने जाति समूह का विकास करने लगते हैं, ठीक है, अपने जाति की तरफ जरा ध्यान देने लगेंगे तो कैसे विकास होगा, ठीक। तो जाति के आधार पर क्या हो जाएगा, यहाँ बिहार जातिवाद है, जातिवाद के चलते लोग आते हैं जुटते हो जाते हैं जाति, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पाता। फिर बिहार में बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी तो होगा ही होगा ही, क्योंकि यहाँ उद्योग नहीं है, शिक्षित क्या है लोग, यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, तो भाई क्या होगी, उद्योग नहीं होंगे, शिक्षित नहीं है, तो रोजगार कहाँ से वो लोग बनाएंगे, जाकर बाहर क्या करते हैं भाई, मजदूरी करते हैं, अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। ये सभी के सभी क्या थे, पिछड़ेपन के कारण थे। इसको आप लोग क्या है डैश कर अगर आ जाए तो डैश करके भी आप लोग दो चार लाइन अपने से बना के लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग ये पूरा का पूरा लिख दीजिए, आप लोग आसानी से। अब इसे दूर करने के उपाय बोले, तो देखिए भाई दूर करने के उपाय क्या है, इसको दूर कर सकते हैं, जस्ट उल्टा बोलिए उसका, कि भाई बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए, सरकार द्वारा एक से एक योजनाएं चलाई जाएं, ठीक है। फिर बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है, बांध बनाया जाए, ठीक है, नेपाल से जो आने वाली कोसी नदी है उस पर कुछ ना कुछ समझौता किया जाए, और उस पर बहुत सारे नहरों का विकास किया जाए, और जिसके चलते क्या है बाढ़ पर नियंत्रण हो सकता है। फिर उद्योगों का विस्तार किया जाए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिला जाए, और बाहर में उनको क्या बाहर से उन लोगों को बिहार में क्या किया जाए, आमंत्रित किया जाए, और नए नए उद्योग लगाने का क्या है उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। फिर कृषि क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया जाए, जो नहरों का विकास, अच्छे अच्छे बीजों का सरकार द्वारा उपलब्ध कराकर किसानों को उपलब्ध कराना, ठीक है, गरीबी को दूर करना, शिक्षा में सुधार, फिर स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन, ठीक, शांति व्यवस्था की स्थापना, शांति स्थापना करना, ठीक है, लोग जाति के आधार पर धर्म के आधार पर लड़ते रहते हैं, तो कैसे फिर क्या होगा, आपका विकास होगा, बिहार का विकास कभी नहीं होगा। फिर सरकार द्वारा रोजगार में वृद्धि, सरकार द्वारा रोजगार में वृद्धि करना होगा लोगों को, ठीक है, मनरेगा के तहत लोगों को हमेशा 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराए, तो सब ऊपर ऊपर जितने भी बैठे हुए हैं सब ऊपर ऊपर उसके क्या रहते हैं, पैसे खा जाते हैं, उन लोगों को रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराते, उसमें कमीशन खाने लगते हैं, तो कहां से भाई विकास करेगा, ठीक है। फिर आधारिक संरचना, अर्थात बिजली, सड़क, पानी आदि में क्या होना चाहिए, हम लोगों को सरकार को विकास करना चाहिए, ये सब सुविधाएं अगर उपलब्ध होंगी तो रोजगार के अवसर भी यहाँ पर क्या होंगे, उपलब्ध होंगे, ठीक। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कि आंतरिक संरचना या आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए भाई आंतरिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं या सेवाओं से है जो देश में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इसे किसी भी देश का आंतरिक संरचना कहा जाता है, जैसे बिजली, भाई आपके राज्य में बिजली है कि नहीं, ठीक है, आपके देश में, आपके राज्य या देश में परिवहन की सुविधाएं कैसी है, बैंकिंग सुविधाएं कैसी है, संचार सुविधाएं कैसी है, स्कूल की व्यवस्था कैसी, अस्पताल, कॉलेज, ये सब मूलभूत हैं, और ये सारी सुविधाएं अगर उपलब्ध होंगी तो वहां के लोग क्या होंगे, विकसित होंगे, उनका क्या है उनमें शिक्षा का गुण आएगा, उसमें ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होगी तो वहां उद्योग लगने की सुविधाएं हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, अपने मटेरियल को पहुंचाकर वो सेलिंग कर सकते हैं, ठीक। संचार व्यवस्थाएं, आप लोग क्या है संचार व्यवस्था, इंटरनेट की सुविधा रहेंगी तो घर पर बैठे आप लोग ऑनलाइन जैसे पढ़ रहे हैं, ये सारी सुविधाएं आधारभूत संरचनाएं अगर क्या होंगी, अगर अच्छी रहेंगी तो देश और राज्य क्या होता है, विकसित होता है।
ठीक, किसी भी देश की आर्थिक विकास के आधार होते हैं, इसलिए इन्हें आर्थिक आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। और ठीक है, और ये चीज हमारे लिए किसी भी देश के लिए अति आवश्यक होता है कि उसकी मूलभूत आंतरिक जो संरचना है वो ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है कि नहीं है। सबसे पहले किसी भी देश में यही चीज देखा जाता है कि वहां की ये मूलभूत जो ढांचे हैं ये कैसी हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अतिरिक्त क्वेश्चनों के साथ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जाए जब भी मैं ऑनलाइन आऊं या कोई आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, किशोर ऑनलाइन सर्च करना है, वहां पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। ठीक है, आप उसको दबा दीजिएगा। और फिर आपको अगर जो भी मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस मोबाइल नंबर पर क्या कीजिए, मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। ठीक है, और उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम से भी क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप लोग किशोर ऑनलाइन क्लासेस या किशोर सर भी आप लोग सर्च कीजिएगा, बाय किशोर सर, ठीक है, @ बाय किशोर सर सर्च कीजिएगा तो हमें क्या है वहां पर आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।